सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग मिलकर के इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऑन पैसिव अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो इसकी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी और मार्केट में इसको उतार दिया जाएगा, लेकिन ये एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी हमेशा अपडेट होती रहती है और आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इसके अंदर चलता ही रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम फाउंडरशिप के अंदर हैं और फाउंडरशिप में आने का मकसद आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना है कि आप फाउंडरशिप में क्यों हैं, एस सर ने आपको फाउंडरशिप में क्यों लिया है, एस सर ने ऐसा एक प्रोजेक्ट में, इस पूरे लंबे प्रोजेक्ट के अंदर जो है फाउंडरशिप की जो एक पोस्ट है वो उन्होंने क्यों निकाली है, उनका आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ही किसी को हवा में फाउंडरशिप नहीं दी है, उन्होंने बहुत कुछ इसके पीछे सोच के रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमसे कहते हैं और अलग अलग वेबिनार्स में अलग अलग कुछ ना कुछ हमसे बातें बोलते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें उन सारी बातों को ध्यान से सुनना। तो अलग अलग वेबिनार से मैं आज उनके द्वारा बताए गए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम एक फाउंडर हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा आने वाले टाइम में क्या काम रहेगा इस दुनिया के अंदर वो हम सब लोगों को समझना है। और एस सर को भी पता लगना चाहिए कि हाँ बहुत सारे लोग जो है बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज वो कहते हैं, सबसे बड़ी चीज वो कहते हैं कि ऑन पैसिव की लगातार अपडेट आप लेते रहिए। लगातार अपडेट रहना ही ये हम सब लोगों की सबसे बड़ी एक बात होती है। और जो आपके अंदर किसी भी नॉलेज की जो कमी रहती है, किसी भी चीज को आपको लोगों को आप समझा नहीं पाते हैं, बहुत सारे मार्केट में या बहुत सारे फोन कॉल्स या बहुत सारे मैसेजेस जो आपके पास आते हैं, तो उन लोगों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अपडेट लेने के बारे में बताई गई हैं। यानी जब तक आप अपडेट नहीं लेंगे तब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तब तक आप लोगों को सही तरीके से बता नहीं सकते। सो लगातार अपडेट लेना ये हम सब लोगों की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि इनकम जब आने वाली होगी यहाँ पे, जी हाँ इनकम बहुत जल्दी इनकम शुरू होने वाली है, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इनकम आना कोई बड़ी बात नहीं है, इनकम आना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर सपोज करो कि अभी और इसी वक्त आपको कहीं से भी 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, कौन बनेगा करोड़पति? आप खेल रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ और वहां पे आपको 5 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिल गया और आप जीत भी गए, आपको क्या करना है? उन 5 करोड़ रुपए को आपको किस तरीके से यूज करना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ऑन पैसे के अंदर इनकम आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस इनकम को आप मैनेज कैसे करेंगे, उस इनकम को आप यूज कहाँ करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, क्या आपने ये अपनी पहले से प्लानिंग बना के रखी हुई है या नहीं बना के रखी हुई है? ये ऐसा बोलते हैं कि आपको इनकम को मैनेज बनाना आना चाहिए, आप अपनी इनकम को किस तरीके से मैनेज करेंगे ये आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी इनकम तो आने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी इनकम तो आएगी कि आप जो है उसको मैनेज करने के लिए जगह जगह उसको आपका अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो ये पहले से ही सीखना शुरू कर दें कि आपको अपनी इनकम को कहाँ पे यूज करना है। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं, हमेशा टीचेबल रहें। टीचेबल का मतलब ये होता है कि हमेशा सीखने की स्थिति में रहें, सिखाने की स्थिति में रहें, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस और एक टीचिंग प्रोसेस जो होती है, यानी कि लर्निंग माने हमेशा सीखना है और टीचिंग माने हमेशा दूसरों को सिखाना भी है, क्योंकि आप एक फाउंडर हैं और आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे इवेंट्स होंगे, फिजिकल इवेंट्स जैसे कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर और अपने मुंबई के अंदर भी ये बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, तो यहाँ पे जब तक इन लोगों को नॉलेज अगर नहीं होती तो क्या ये इवेंट कर पाते? तो ये नॉलेज कहाँ से मिली? पहले इन लोगों ने सीखा है फिर दूसरों को सिखाया है, यानी कि हमें एक लर्निंग प्रोसेस में रहना है, उसके बाद हमें टीचेबल प्रोसेस में रहना है। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपनी फाउंडरशिप को हमेशा बना के रखना है, अपनी पोजीशन को मैनेज करके रखना है और आगे भी इसी तरीके से अपने आप को मैनेज करके रखना है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 है कि अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी जो पोजिशन है उसको जरा सही तरीके से समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि मैंने आपको फाउंडरशिप में क्यों
ये पद क्यों दिया है, मैंने फाउंडरशिप में लोगों को क्यों दिया, ऐसे बोलते हैं कि फाउंडरशिप में लेके आने का मकसद बाद में धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में पता चलेगा कि हम सब लोगों को फाउंडरशिप में ये क्यों लिया गया है, क्योंकि हर कंपनी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। लेकिन एस मुफारी सर के माइंड में ये बात क्यों आई, एक इतनी अच्छी और इतनी बड़ी कम्युनिटी का उन्होंने एक क्रिएशन क्यों किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़े रीजन होंगे, लेकिन वो आने वाले टाइम के अंदर हमें बहुत बड़ा एक झटका भी दे सकते हैं, एक हमें एक शॉक भी लगने वाला है कि आखिर हम फाउंडरशिप में क्यों हैं। तो जो भी होगा उसका रीजन पता चलेगा, लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को और आपकी जो पोजिशन है फाउंडर, क्योंकि आप एक फाउंडर हैं तो आपकी एक स्पेशल पोजिशन है ऑन पैसिव के अंदर, तो उसको सही तरीके से समझ लेना कि आप क्या है यहां पे, इसका आपको गलत तरीके से या गलत डायरेक्शन में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, अभी यहां पे कोई भी ग्लोबल लीडर नहीं है, एसर ने बोला है कि कोई भी ग्लोबल लीडर नहीं है कि कभी किसी ने अपने ही मन से बोल दिया कि मैं एक ग्लोबल लीडर हूं या मैं एक लीडर हूं, नहीं, वो अपने मुंह से भले ही वो कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये एसर और एसर की जो ओ मीडिया टीम है वो डिसाइड करेगी कि हम किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर बनाएंगे, उसके क्या क्या कंडीशंस होंगी, जिसको उसको जो छूना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी शर्तें होंगी जिनको उनको पार करना पड़ेगा, उसके बल पे ही वो एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास और हम सब लोगों के पास एक मौका है ग्लोबल लीडर बनने का, तो ऐसे बोलते हैं कि आप एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरी 1000 लोगों की टीम है या 500 लोगों की टीम है मैं तभी ग्लोबल लीडर बन सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें होंगी जो आपको अब पूरी करनी है, जो एस सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं और भी आने वाले टाइम में हमको पता चलेंगी, और उसके आधार पे आपको एक ग्लोबल लीडर के रूप में चुना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पोजीशन होगी ग्लोबल लीडर, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो भी एक लीडर है उनका एक स्पेशल ही यहां पे रुतबा होने वाला है। नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम टाइम मैनेजमेंट करना सीखना शुरू कर दें। जी हां, टाइम मैनेजमेंट सीखना, जी हाँ, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि अभी तो कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अभी आपका टाइम कहां पे खर्च हो रहा है ये आपको अच्छे से पता होगा। जब कंपनी लॉन्च होगी तो आप अपना टाइम कहां पे खर्च करेंगे, कहां पे सबसे ज्यादा लगाएंगे, कौन सा इंपोर्टेंट काम होगा, कौन सा टेम्परेरी काम होगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में और भी याद रखनी है, इसलिए अपने टाइम को मैनेज करना अभी से सीखना शुरू कर दें, ताकि कंपनी के लॉन्चिंग के बाद ये सारी की सारी जो दिक्कतें हैं वो आपको ना आए, क्योंकि टाइम आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये 6 चीजें थी, जो 6 इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको बताई, और ये हमारे बहुत बहुत ज्यादा काम की बातें हैं, और ये आप सब लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ के अंदर। ये सारी की सारी जो 6 बातें मैंने आपको बताई, ये 6 बातें आपको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि तभी हम ऑन पैसिव के एक प्राउड फाउंडर कहला सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आपने धीरे धीरे सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आपके द्वारा बहुत सारे कस्टमर और बहुत सारे जो रीसेलर होंगे आने वाले टाइम के अंदर वो भी आपके साथ आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति की भी जरूरत होगी, ताकि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर सके, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, उसकी हेल्प कर सके। यानी कि लीडर उसी को कहते हैं जो हमेशा अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा सोचे, अपने फायदे के बारे में नहीं दूसरे के फायदे के बारे में सबसे ज्यादा सोचे। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, और कंपनी लॉन्चिंग होने के बाद में इन सारे 6 पॉइंट्स को आप एक डायरी में लिख लेना, और ये आपके बहुत काम आने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, जितने भी न्यू फाउंडर्स हैं, उन सभी से मैं बोलना चाहूंगा लास्ट टाइम पे कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज बहुत जल्दी फाउंडरशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, आपको भी इसमें फाउंडरशिप में नहीं होगा, फाउंडरशिप में एंटर नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए, जमे रहिए इस ऑन पैसिव के अंदर, और अपने स्वास्थ्य का और अपने सेहत का खास तौर से ख्याल रखिए, बिकॉज 80% पैसा हमारा इसी चीज पर खर्च अगर होता रहता है तो हम बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर इन इट टू विन इट।